ये सेकेंड ट्रेल के लिए ये स्काईवे से ही आपको ऊपर लेके जाएंगे ये लोग। दोनों राइड टोटली वर्थ है, बहुत मजा आया। एक डिजिटल फोटो लिया हम लोगों ने, उसका $8 कॉस्ट हुआ। यहाँ पे ये बहुत ही फेमस वैक्स म्यूजियम भी है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज भी हम लोग सेंटोसा आइलैंड पे आए हैं और आज हम लोग एक्टिविटीज करने वाले हैं एक्चुअली। सो आज अभी फर्स्ट हम लोग स्काईलाइन लुच करने वाले हैं। सो इसके लिए हम लोगों ने आज भी मोनोरेल सेंटोसा एक्सप्रेस ही पकड़ा था एंड फिर वहाँ से सेकंड स्टेशन पे उतरना है स्काईलाइन लुच के लिए, विच इज इम्बा स्टेशन, राइट? या इम्बा ट्रेल समथिंग है। तो इम्बा ट्रेल फॉलो करके आपको स्टेशन से उतर के फिर 6-7 मिनट्स का वॉक है लंच के लिए। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। यहाँ पे ये बहुत ही फेमस वैक्स म्यूजियम भी है। ये ट्रेल पे ही चलते चलते आपको ये म्यूजियम भी दिखेगा। If you want to visit, then you can visit that also. But we are not interested in wax museum, so we are going ahead. So we have reached the Skyline Lodge. काफी छोटा ही है, काफी छोटा ही ट्रेल है, खाली सिर्फ शहर के ऐसे ही है। हार्डली 5 मिनट में हम लोग मोनोरेल स्टेशन से यहाँ पे पहुँच गए। तो आज तो रश कम है लकीली, आई डोंट नो आज क्या है, बट रश नहीं है। तो वी आर गोइंग अहेड। ये केबल कार्स भी अगर आपको चलना नहीं है तो दैट इज कॉस्टिंग अराउंड $15 पर हेड। वी आर इन द क्यू ऑफ साइलेंट लुच, नंबर लगेगा हम लोगों का। ये यहाँ से ही स्टार्ट होने वाला है। तो वी आर एक्साइटेड टू गो फॉर आवर टूर ट्रैक। अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अगर कुछ भी टिकट निकालते हो तो उसका अलग से क्यू है, बट अगर इनकी वेबसाइट से आते हो तो आपको डायरेक्ट एंट्री है। तो बेटर है कि इसका आप डायरेक्टली टिकट बाय करिए। फर्स्ट ट्रेल अभी हम लोगों का हो गई है, सेकेंड ट्रेल के लिए ये स्काईवे से ही आपको ऊपर लेके जाएंगे ये लोग, कैन सी दैट, और फिर वहां से हम लोग नीचे आने वाले हैं। दो राइड्स हो गए,
दोनों राइड टोटली वर्थ है, बहुत मजा आया। एक्सपेडिशन वाला ट्रैक सच में बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया उसे, काफी सारे टर्न्स है उसमें और काफी स्पीड में जाता है वो, कुप्पू कुप्पू इतना स्पीड में नहीं था, इसमें बहुत ज्यादा मजा आया। और नॉट नेसेसरी कि आपको ड्राइविंग और राइडिंग कुछ भी आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा किसी को भी, छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे थे मतलब रसिया को, जैसे साइकिलिंग भी नहीं आता, कार ड्राइविंग कुछ नहीं आता, फिर भी उसने अच्छी तरह से किया। हाँ, दो बार मुझे डैश किया, वो बात अलग है, बट मजा आया। और इधर भी आपको फोटोज मिलती, यहाँ पे बेसिकली हर एक जगह पे आपको फोटोज मिलते हैं, हम लोगों ने पहले किधर नहीं लिए थे बट यहाँ पे किया है। एक डिजिटल फोटो लिया हम लोगों ने, उसका $8 कॉस्ट हुआ, और अगर आपको प्रिंटेड सॉफ्ट कॉपी प्लस हार्ड कॉपी लेना है तो उसका $16 से एक फोटो का, और अगर तीन फोटो चाहिए तो उसका हार्ड कॉपी का $30 है और सॉफ्ट कॉपी का $18 है। तो अभी हम लोग सोच रहे यहाँ पे बीच एक्सप्लोर करें, बेसिकली यहाँ पे जो डाउन हम लोग को लाते ऊपर से नीचे, तो वही नीचे सिलोसो बीच का स्टेशन है, तो हम लोग यहाँ पे अभी बीच भी पहुँचे लैंड करके, तो हम लोग बीच एक्सप्लोर करने वाले हैं। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush, I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we'd just mess it up. So, अभी हम लोगों ने जस्ट लंच किया, तो बीच एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने वापस मोनोरेल से सेंटोसा वर्ल्ड स्टेशन पे आए, और उसके बाद अभी इधर लंच करके हम लोग एक्वेरियम देखने जा रहे हैं। तो और एक्वेरियम के बाद हमारा वापस विंग्स ऑफ टाइम का जो शो है वो अगेन सेंटोसा बीच स्टेशन पे है, तो वापस हम लोग को उधर जाना है, तो अभी जा रहे हैं एक्वेरियम। तो एक अच्छी बात यह है कि दोनों प्लेसेस पे आपको लंच या स्नैक्स करने के लिए प्लेसेस मिलेंगी, तो जस्ट मेक श्योर कि आपके वाटर बॉटल्स कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे पानी मतलब पानी पीने के लिए आपको फिर शॉप से ही पानी लेना पड़ेगा, और हर एक मतलब 500 ml का बॉटल आपको रिफिल कॉस्ट टू अराउंड $3 मीन्स ऑलमोस्ट। पानी का एक्चुअली इशू है, मतलब काफ़ी जगह पे पानी नहीं, मतलब 10 में से एक जगह पे ही पानी मिलता है, और वो भी कॉस्टली रहता है। कल तो हम लोग की हालत हो गई थी जब हम लोग आइसक्रीम म्यूजियम और गार्डन बाय द बे देखने गए थे, तो एक जगह पे भी हम लोग को पानी भरने के लिए कुछ मिला नहीं था, ना ही परचेज करने के लिए, तो डायरेक्टली हम लोग को शाम को पानी मिला मॉल में, वो भी परचेज किया हम लोगों ने, वहाँ पे भी बॉटल्स भरने के लिए है नहीं ऑप्शन। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक जन अपना खुद का वाटर बॉटल कैरी करता है, तो आप भी अगर आपके पास बैग पैक रहेगा तो वाटर बॉटल कैरी करें, नहीं तो फिर प्यासा मानना पड़ेगा यहाँ पे। Thank you.